दोस्तों, कुछ समय पहले लॉन्च हुआ था OnePlus 6, और ये काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है। काफ़ी फास्ट है, काफ़ी स्मूथ है, हाँ पर परफेक्ट नहीं है। OnePlus 6 यूज़र्स प्लीज़ दिल पे मत लीजिए, पर OnePlus 6 को हर किसी दूसरे स्मार्टफोन के जैसे ही अपग्रेड की ज़रूरत है। और हम सभी को पता ही है कि OnePlus का ट्रेंड ही रहा है कि पहले वो अपना मेन स्मार्टफोन लॉन्च करते हैं और उसके बाद लॉन्च करते हैं उसका टी वेरियंट, जिसमें मेन स्मार्टफोन से थोड़े बहुत चेंजेस होते हैं। तो इस बार भी कुछ वैसा ही होने वाला है। OnePlus 6 का टी वेरिएंट यानी कि OnePlus 6T लॉन्च होने वाला है। तो आइए जानते हैं OnePlus 6T में हमें क्या नई चीज़ें मिलने वाली हैं। तो दोस्तों, बिना वक्त गवाए मैं हूँ राज, और आइए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको यही नहीं बताऊंगा कि ये चीज़ें मिलने वाली हैं और ये चीज़ें नहीं मिलेंगी। हम चीज़ों को थोड़ा एनालाइज भी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी चीज़ें सच में OnePlus 6T में आ सकती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डिज़ाइन और डिस्प्ले से। तो OnePlus 6 में हमें देखने को मिलती है नॉच, और बहुत से OnePlus 6 यूज़र्स को, जिनमें मैं भी शामिल हूँ, नॉच डिज़ाइन इतनी पसंद नहीं आई। पर क्या करें, OnePlus को भी तो 2018 के ट्रेंड के हिसाब से चलना था, तो इसीलिए नॉच डिज़ाइन के साथ जाना पड़ा। तो क्या OnePlus 6T में भी हमें वैसी ही नॉच डिज़ाइन देखने को मिलेगी? तो शायद नहीं। यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती है। पहली कि OnePlus नॉच से बचने के लिए मोटराइज पार्ट्स की हेल्प लेगा, और आपको Oppo Find X जैसी कुछ डिज़ाइन देखने को मिले, जहाँ मोटराइज पार्ट्स की मदद से कैमराज और बाकी सेंसर्स को इम्प्लीमेंट किया जाए। पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि OnePlus 6T एक माइनर अपग्रेड होगा OnePlus 6 से, और ये एक बहुत मेजर चेंज या बड़ा चेंज हो जाएगा जो OnePlus शायद OnePlus 7 के लिए बचा के रखना चाहे। तो अगर मोटराइज पार्ट्स नहीं होंगे तो क्या होगा? तो वेल, आपको वही ट्रेंडिंग नॉच डिज़ाइन देखने को मिलेगी, पर उसमें एक चेंज होगा। तो अगर आपने Oppo F9 Pro देखा होगा तो वहाँ आपको मिलती है वाटर ड्रॉप नॉच, जो नॉर्मल नॉच से काफ़ी छोटी है। उस नॉच में आपको मिलता है फ्रंट कैमरा और उसके ऊपर मिलता है ईयरपीस। दोस्तों, OnePlus और Oppo इन दोनों कंपनीज को BBK इलेक्ट्रॉनिक्स ओन करती है, और इसीलिए ये दोनों कंपनीज अपने स्मार्टफोन्स डिज़ाइन और बाकी चीज़ें एक दूसरे के साथ शेयर करती है। और इसके अलावा अगर हम OnePlus का ट्रेंड भी देखें तो डिज़ाइन के मामले में OnePlus 5 Oppo R11 के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड था, OnePlus 5T Oppo R11S के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड था, वही OnePlus 6 Oppo R15 के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड था। तो उसी तरह OnePlus 6T का डिज़ाइन भी Oppo R17 के डिज़ाइन से इंस्पायर्ड हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो OnePlus 6T के सामने की तरफ आपको डेफिनेटली वाटर ड्रॉप नॉच देखने को मिलेगी। अगर इस एक चेंज को छोड़ दें तो डिज़ाइन के मामले में OnePlus 6T OnePlus 6 से बहुत ज़्यादा अलग नहीं होगा। इस बार आपको शायद OnePlus 6T में ग्रेडियंट कलर्स भी देखने को मिले, जिसका मतलब है दो कलर्स की अलग अलग शेड्स आपको एक ही स्मार्टफोन्स में दी गई हो। ये पॉसिबिलिटी इसीलिए है क्योंकि OnePlus 6 के लॉन्च के वक्त एक फ़ोटो लीक हुई थी, जिसमें हम OnePlus 6 के ऐसे ही कुछ ग्रेडियंट कलर्स वाले बैक पैनल्स देख सकते हैं। तो OnePlus ग्रेडियंट कलर्स पे भी काम कर रहा है, ये तो इससे पता चल गया। तो अगर OnePlus 6 में ग्रेडियंट कलर्स का इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ था तो शायद OnePlus 6T में ये चीज़ देखने को मिल सकती है। इस तरह के ग्रेडियंट कलर से स्मार्टफोन का लुक और भी बेहतर हो जाता है। अगर बात करें डिस्प्ले की तो आपको वही ऑप्टिक एमोलेड फुल HD प्लस डिस्प्ले देखने को मिले जो OnePlus 6 में यूज़ किया गया था। तो अगर आप 2K डिस्प्ले के बारे में सोच रहे थे तो शायद आपको OnePlus 7 का वेट करना पड़ेगा। अब बात करते हैं कैमरास के बारे में। तो OnePlus 6T में आपको OnePlus 6 के मुकाबले अच्छे कैमरास देखने को मिल सकते हैं, पर जो इम्प्रूवमेंट होगी वो बहुत ज़्यादा नहीं होगी। अगर हम बात करें OnePlus 3 और 3T के कैमरास की, या फिर OnePlus 5 और 5T के कैमरास की, तो उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता था। उसी तरह से OnePlus 6 और OnePlus 6T के कैमरास में भी बहुत ज़्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। OnePlus 6T के कैमरास में आपको ऑप्टिक चेंजेस और सॉफ्टवेयर इम्प्रूवमेंट्स जैसे कि AI का सपोर्ट और फोटो प्रोसेसिंग, ये चीज़ें बेहतर मिलें। इसके अलावा OnePlus 6 के साथ यूज़र्स को ये कंप्लेंट है कि जो पीछे की तरफ ड्यूअल कैमरा सेटअप दिया गया है उसमें सेकेंडरी कैमरा सेंसर सिर्फ डेप्थ इफेक्ट के लिए ही यूज़ किया जाता है। तो OnePlus 6T में शायद सेकेंडरी सेंसर का प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि वाइड एंगल सेंसर या फिर टेलीफोटो लेंस, इस तरह से।
दोस्तों कुछ रूमर्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि OnePlus 60 में ट्रिपल कैमरास देखने को मिले, पर मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि वही ये काफ़ी बड़ा चेंज है और इस चेंज के लिए डिज़ाइंस में भी काफ़ी चेंजेस करने होंगे और OnePlus 60 एक माइनर अपग्रेड है OnePlus 6 से, तो ट्रिपल कैमरास का कोई चांस नहीं है। शायद OnePlus 7 में हमें ट्रिपल कैमरास देखने को मिले, शायद। अब बात करते हैं प्रोसेसर की, तो OnePlus 60 में आपको वही स्नैपड्रैगन 845 प्रोसेसर देखने को मिलेगा जो करंटली सबसे अच्छा और फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर है, तो परफॉर्मेंस के मामले में OnePlus 60 सुपर फास्ट होने वाला है। इसके अलावा आपको 6GB प्लस 64GB, 8GB प्लस 128GB, 8GB प्लस 256GB ये वेरिएंट्स देखने को मिलेंगे। कुछ रूमर्स ये भी इंडिकेट कर रहे हैं कि आपको OnePlus 60 का 512 यानी कि 512GB स्टोरेज वेरिएंट भी देखने को मिले। OnePlus 60 में ड्यूअल 4G वोल्टी का सपोर्ट भी होगा और SD कार्ड के लिए कोई जगह नहीं होगी। दोस्तों OnePlus 5T के वक्त स्टार वॉर्स स्पेशल एडिशन वेरिएंट अवेलेबल था, OnePlus 6 का अवेंजर्स एडिशन वेरिएंट अवेलेबल है। इसी तरह से OnePlus 60 का भी कोई स्पेशल एडिशन आ सकता है जो उस वक्त के किसी मूवी से रिलेटेड हो, जिसमें आपको 256GB या फिर 512GB स्टोरेज देखने को मिल सकती है। इसके बाद अगर बात करें बैटरी की, तो बैटरी डिपार्टमेंट में भी आपको कुछ बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। OnePlus 6 में थी 3300mAh की बैटरी, तो OnePlus 60 में शायद आपको 3500mAh की बैटरी देखने को मिले। इसी के साथ डैश चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको यहाँ देखने को मिल जाए। वैसे OnePlus ऑफिशियली अब डैश चार्जिंग इस वर्ड को यूज़ नहीं कर सकता, तो OnePlus के फास्ट चार्जिंग का नया नाम हो सकता है वॉप चार्जिंग, जो ओप्पो के सुपर वूक चार्जिंग जैसी ही होगी। तो शायद वॉप चार्जिंग का सपोर्ट भी आपको OnePlus 60 में देखने को मिल जाए, या फिर शायद OnePlus इसे भी OnePlus 7 के लिए बचा कर रखना चाहती हो। दोस्तों कुछ रूमर्स ये भी इंडिकेट करते हैं कि वायरलेस चार्जिंग भी OnePlus 60 में हो सकती है। OnePlus 6 में ग्लास बैक होने के बावजूद वायरलेस चार्जिंग का सपोर्ट नहीं था, पर OnePlus 60 में ऐसा ना हो तो वायरलेस चार्जिंग OnePlus 60 में मिल सकती है। इसके अलावा अगर बाकी रूमर्स की बात करें, तो यहाँ आपको मिल सकता है गोरिल्ला ग्लास 6 का प्रोटेक्शन, आपको OnePlus 60 में मिल सकता है स्टीरियो स्पीकर सेटअप, यानी कि ड्यूअल स्पीकर्स भी OnePlus 60 में आपको देखने को मिले, तो इससे मीडिया एक्सपीरियंस और भी बेहतर हो जाएगा। अगर बात करें सॉफ्टवेयर की, तो OnePlus 6 में आपको एंड्रॉयड पी डेवलपर प्रीव्यू का सपोर्ट मिलता है, तो इसीलिए OnePlus 60 में आपको मिल सकता है एंड्रॉयड 9.0 यानी कि एंड्रॉयड पाए आउट ऑफ द बॉक्स, तो ये एक काफ़ी अच्छी चीज़ है। दोस्तों अब बात करते हैं मेन पॉइंट की, जो है प्राइस। तो हमें पता ही है कि OnePlus अपने नए स्मार्टफोन वेरिएंट की प्राइस अपने करंट स्मार्टफोन से ज़्यादा ही रखती है, चाहे वो प्राइस डिफरेंस 2000 का हो या 3000 का। अगर मैं सही हूँ तो इनिशियली OnePlus 3 लॉन्च हुआ था लगभग 28,000 के आसपास, और अब OnePlus 6 की प्राइस है 35,000, तो डेफिनेटली प्राइस बढ़ रही है। पर OnePlus 60 की प्राइस OnePlus 6 से बहुत ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि Xiaomi ने लॉन्च कर दिया है अपना Poco F1, और Poco F1 कम्पीट करता है डायरेक्टली OnePlus 6 के साथ। तो अगर OnePlus को कंपटीशन में रहना है, तो OnePlus को भी अपने OnePlus 60 की प्राइसिंग अग्रेसिव रखनी होगी, तभी OnePlus 60 मार्केट में कम्पीट कर पाएगा। दोस्तों ये बताया जा रहा है कि OnePlus 60 अक्टूबर में US में लॉन्च हो सकता है, क्योंकि OnePlus ने टी मोबाइल के साथ पार्टनरशिप की है, तो OnePlus 60 सबसे पहले लॉन्च होगा US में अक्टूबर के लास्ट वीक में, और उसके बाद शायद नवंबर के पहले या दूसरे वीक में इंडिया में भी लॉन्च हो जाए। तो अगर आप मेरे जैसे ही OnePlus 6 यूज़र हैं, तो OnePlus 60 का नाम सुनकर क्या आपको दुख हो रहा है, या आप OnePlus 60 के लिए एक्साइटेड हैं, बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, हेल्पफुल लगा है, तो वीडियो को कर दीजिए लाइक। अगर वीडियो पसंद नहीं आया तो आपको पता ही है क्या करना है, सिर्फ वो रीज़न हमारे साथ शेयर करिए ताकि अगले वीडियो में हम उसका ध्यान रख पाए। दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आज इस वीडियो में बस इतना ही, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं हूँ राज, और मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।